So friends, there is a change in EPF rule with effect from 1st Jan 2020 with respect to its applicability. So let's start and discuss. The Modi government continues to make changes in the EPF rule from 1st Jan 2020. This step has been taken in view of the social security of the employees. कैसे ये बोला जा रहा कि उनकी सिक्योरिटी होगी? अभी तक पीएफ का बेनिफिट एज पर द डाटा रिलीज बाय गवर्नमेंट कितने लोग ले रहे हैं? 6 करोड़। अब इस रूल को जो चेंज किया गया है, 50 लाख और इंप्लॉइज भी इसका बेनिफिट ले पाएंगे। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आई थी 31 अक्टूबर को और उसमें बोला गया था कि ये जो चेंज है ये जे एंड के में भी एप्लीकेबल होगा। तो कैसे इतने लोग बेनिफिट ले पाएंगे इसका? अभी तक जो ईपीएफ का रूल लगता है कंपनीज और इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कब लगता है? जब कंपनी में इम्प्लॉइज है 20 या उससे ज्यादा। बट अभी गवर्नमेंट ने ये लिमिट को रिड्यूस कर दिया, कितने कर दिया? 10। मतलब किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन के इम्प्लॉइज है 10 या उससे ज्यादा तो उस केस में ये रूल लग जाएगा और अकॉर्डिंगली कंपनी के लिए इम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी हो जाएगा उसका पीएफ डिडक्ट करना और पीएफ डिपार्टमेंट में जमा करवाना। अब इससे क्या होगा, 50 लाख और लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जो इम्प्लॉइज प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं किसी भी स्टेट में या जे एंड के में, उनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिल पा रहा होगा। अगर उनकी कंपनी में कितने इम्प्लॉइज होंगे, 10 से ज्यादा है बट 20 से कम है, तो अभी तक तो नहीं लग रहा था इसका बेनिफिट। तो अभी क्या होगा, जब उस कंपनी में भी ये रूल लग जाएगा 10 या उससे ज्यादा के लिए, तो वो इम्प्लॉई उसको पेंशन का बेनिफिट भी मिलेगा, इम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आएगा। तो अकॉर्डिंगली ऐसे ये पूरे 50 लाख लोगों को बेनिफिट देगी ये स्कीम जो अभी तक 6 करोड़ लोगों को दे रही है। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।